जेनेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट नगरोटा भगवा कांगड़ा। नालागढ़ के बिपुर गांव में सुबह तकरीबन 11 बजे बिजली के ट्रांसफार्मर में धमाके के बाद गांव के लगभग 18 घरों के बिजली मीटर, फ्रिज, कूलर, पानी की मोटर और बिजली के अन्य उपकरण जलकर राख हो गए। शॉर्ट सर्किट से कुछ लोग उसकी चपेट में भी आ गए और बड़ा हादसा होने से टल गया। इस हादसे में गाँव के लोगों का लगभग लाखों के बिजली उपकरण जलकर राख हो गए। गाँव के लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते ये हादसा पेश आया है। मेरा नाम उषा है, गांव अभीपुर। ऐसे हुआ ना, पहले तो ट्रांसफार्मर में आग लगी, उसके बाद हमारे मकानों में आग बढ़ती बढ़ती पूरी पूरे गांव में बढ़ गई। हमने शोर मचाया कि सारे बच्चे और बूढ़े बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। पूरे आग बढ़ती ही चली गई, उसके बाद एकदम बंद हो गई और सब कुछ, सबके इन्वर्टर और ये जो गीजर एसी पूरे सड़ गए। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। कुछ देर पहले ये कोई घंटा डेढ़ घंटा पहले मैं तो घर में था नहीं, मेरे को तो फोन गया। इधर पता नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ क्या हुआ, बिजली बोर्ड की ये नाकामियों की वजह से है जी। लाइनें देखो सारी खेतों में बिछा रखी है। पहले बोला अभी लाइन को रोड की तरफ के लेकर जाओ जी, फैक्ट्री के लिए लाइन निकाली उधर से 11 KV। इस जो ये सप्लाई वाली लाइन है इसके ऊपर तार टूट कर गिर गई, सारे पिंड में नुकसान हो गया। इस विषय में अभी हमें 10 मिनट पहले ये सूचना प्राप्त हुई है कि अभीपुर नालागढ़ डिवीज़न में अभीपुर गांव पड़ता है, इसमें अचानक ये जो हाई वोल्टेज का जो इशू है वो हुआ और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण थे वो सभी जो है यहां पर मैं हर एक घर में जो है मौका करने जा रहा हूं और देख रहा हूं। सब कुछ जो है यहां जल चुका है, मीटर जल चुके हैं, एसी वगैरह हैं, गीजर हैं, टीवी हैं। इसमें हम उचित कार्रवाई करते हुए जो भी फौरी राहत बनेगी वो प्रदान करेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी। पंचशील नर्सिंग होम नगरोटा बगवा।